हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में कविता एट किचन विद ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ फिर एक और नई वीडियो, नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये चावल के आटे से बनने वाली बिस्किट की रेसिपी है, तो आप इसको बनाइए और महीनों तक स्टोर करके इसे रख के खा भी सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए फटाफट, हम चावल का आटा मैंने इसमें 2 कटोरी लिया है। केजी से ये लगभग 300 ग्राम होगा और उसमें मैं 1 कटोरी पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना हो तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो अब इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी बचा ली है, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसमें सारा डाल दूँगी। और पिसी हुई इलायची, आप इलायची कूट के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसी हुई अवेलेबल थी तो मैं उसको ही डाल दी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 1 स्पून की मदद से मिलाएंगे ताकि चीनी, इलायची और जो चावल का आटा है वो अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाए। अब मैं बसी हुई चीनी भी जो बच गई थी मैं उसको भी डाल दे रही हूँ। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ, ये मेरा मेल्ट किया हुआ घी है। आप इसमें रिफाइन भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास, आप अगर घी ना डालना चाहते हो, रिफाइन ऐड करना चाहते हो तो रिफाइन भी ऐड कर दें। तो जिस कटोरी से मैंने चीनी लिया उसी कटोरी से मैंने इसमें घी डाला है, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी घी डाला है। इससे बहुत ही अच्छा ये खस्ता बनेगा। अच्छी तरह से इसको हमें अपने हाथों की मदद से मिलाना है। तो देखिए ये जो है आटा अब अच्छे से मोइन हो चुका है, तो बस अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेंगे। हल्के हाथों से गूंथना है, जितना पानी लगेगा हम उसके हिसाब से इसमें डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। तो आटा मेरा गूंथ चुका है, तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि आटा अच्छी तरह से गूंथ जाए। तो देखिए अब आटा जो है अच्छी तरह से फूल चुका है और इसको बस अब हम 2-3 हिस्सों में बांट लेंगे। और इसको हम, चूंकि ये चावल का आटा है तो ये फटेगा जरूर, उसे घबराए नहीं। और अब इसको एक बेलन की मदद से हम बेलेंगे, फटेगा कोई बात नहीं, फिर आप इसे हाथों से मिलाएं, फिर ये फटेगा कोई बात नहीं, फिर हम इसे हाथों से मिलाएंगे, दबाएंगे। तो बस इसी तरह हमें हल्के हाथों से इसे करना है। तो देखिए मैंने इसे एक रोटी के जैसा बेल लिया है, मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें कट कर देते हैं, आप चाहे तो कैसा भी शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
देखिए अब इसको भी पलट देते हैं। तो पलटते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन होने तक हमें इसे तलना है। एक बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर जब आ जाता है तो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखा दोस्तों, ये झटपट ही बन जाती है, इसमें कोई मेहनत नहीं, बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। बस घर में चावल का आटा हो, बस फटाफट आप बना ले। इसमें बहुत सारी कोई भी चीज़ें नहीं हैं और खाने में भी टेस्टी है और बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। तो बस ऐसे ही हम एक एक करके सारे को पलट लेंगे और अब बस हम निकालते हैं। देखिए मैं एक फॉर्क स्पून से इसे निकाल रही हूँ। तो बस अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट पे सर्व करूंगी। देखिए कितना टेस्टी, अमेजिंग टेस्ट है इसका। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर आपको ये हेल्दी, इजी, टेस्टी और कम चीज़ों से बनने वाली ये चावल के आटे की बिस्किट रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक तो पक्का करें, कोई चार्जेस नहीं है। शेयर करें दोस्तों के साथ। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक और नई वीडियो